अगर आप लोग भी मेरिटेड टाइपिंग करके डाटा एंट्री करके ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हो तो आप लोग एकदम बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित झा। आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन टाइपिंग करके डाटा एंट्री करके डेली के 2 से 3 हजार रुपए तक कमा सकते हैं। और आज जो मैं आपके लिए वेबसाइट लेके आया हूं, काफी ज्यादा रियल वेबसाइट है, जेन्युइन वेबसाइट है, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं क्योंकि ये वेबसाइट मैंने पर्सनली यूज किया काफी दिनों तक। अगर आपको स्टूडेंट है, हाउसवाइफ, वर्किंग पर्सनालिटी, आपको ऑनलाइन टाइपिंग करके डाटा एंट्री करके पैसे कमाना चाहते हो तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन डाटा एंट्री करके टाइपिंग करके पैसे कमाने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे। जो लोग अपने फोन से कर रहे हैं वो लोग अपना ऐप खोल लो, इस पर डेस्कटॉप साइट को बस टिक कर दो। सेम प्रोसेस करना है, मैं लैपटॉप में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि लैपटॉप में आपको बड़ा दिखेगा, जल्दी समझ आएगा। तो हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे, हम गूगल पे चलते हैं, लिखते हैं फ्रीलांसर। काफी ज्यादा अच्छी वेबसाइट है, बहुत लोगों ने सुना भी होगा, बहुत लोग कहेंगे इस पर काम नहीं मिलेगा या और कुछ। मैं आपको पूरा बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, आप लोग टेंशन मत लो, काफी ज्यादा अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। देखो freelancer.com स्टॉक मार्केट में भी लिस्ट है, सोचो कितनी बड़ी कंपनी, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। तो हम चलते हैं थोड़ा नीचे नीचे नीचे, देखो freelancer.com आ जाएगा, हम लिख देते हैं freelancer.com। तो freelancer.com हम जब भी लिखेंगे, देखो पहली वाली वेबसाइट है freelancer.com, hire a freelancer for any task। हमें यहाँ पे डाटा एंट्री का काम करना है, हमें यहाँ पे टाइपिंग का काम करना है, जिनको जो आता है वो आप काम कर सकते हो। काफी ज्यादा अच्छी वेबसाइट है, जेन्युइन वेबसाइट है। तो हम चलते हैं वेबसाइट पे। जिन लोगों को प्रॉब्लम आते हैं कि हमें काम नहीं मिलेगा ये वो, तो आप लोग वीडियो देखो, आपको काम भी मिलेगा, पैसे भी कमाओगे काफी ज्यादा। तो हम चलते हैं यहाँ पे, हम सबसे पहले साइन अप करते हैं, जिनका अकाउंट नहीं बना हुआ है वो लोग साइन अप करो। यहाँ पे हम अपनी मेल डाल देते हैं, मेल में डाल देता हूँ स्किल फ्लाइज अंकित झा, स्किल फ्लाइज एक मिनट एजुकेशन है सॉरी education@gmail.com। मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, तो एक मिनट वेट करो। काफी ज्यादा सही वेबसाइट है भाई, इस वीडियो को देखने का आपको और कोई वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मिनट, इसके बाद मैं आई एग्री करके ज्वाइन कर देता हूँ फ्रीलांसर को। इसके बाद मुझसे मैं यूजर नेम पूछा, तो मैं यूजर नेम में डाल देता हूँ अंकित झा स्किल फ्लाइज। अब अपना यूजर नेम डाल दो, आप एक काम करो, जैसे आप लोग टाइपिंग कर सकते हो डाटा एंट्री कर सकते हो, मानो जैसे मैं डाटा एंट्री करूंगा तो मैं डाल देता हूँ यूजर नेम में अंकित झा डाटा ऑपरेटर। ये कुछ टिप्स होते हैं जिनसे आपको काम मिलेगा। देखो छोटी छोटी टिप्स आप फॉलो नहीं करते ना, इस चक्कर में आपको काम नहीं मिलता है। तो आप जैसे आप ये भी कर सकते हो तो आपका काफी ज्यादा एडवांटेज होगा। जो लोग आपको देखेंगे उनको पहले ही पता चल जाएगा आप डाटा एंट्री करते हो, डाटा ऑपरेटर हो। हम चलते हैं नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने का एक मिनट, मस्ट यूजर नेम मस्ट बी 3 से 16 कैरेक्टर। तो डाटा कर देता हूं अंकित झा डाटा ऑपरेटर, तो अभी मैं कर देता हूं अंकित डाटा ऑपरेटर कर देता हूं। एक मिनट, अंकित डाटा ऑपरेटर, अंकित डाटा ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट। एक मिनट, ये भी हो गया कि एक मिनट, तो मैं अंकित झा ये भी कर देता हूं अंकित झा, एक मिनट अंकित झा 9911। इसका नेक्स्ट कर देता है, मैंने आप थोड़ा सोच के करना है इसका 9911। आपको करना कि आपको काम करना है, आपको हायर करना है फ्रीलांसर्स को, तो हमें काम करना है, आई वॉन्ट टू वर्क। इसका आप लोग ध्यान से करो, जो जो मैं आपको बताऊंगा ना आप वो करो, आपको काम गारंटी मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ, काफी ज्यादा काम मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा भाई, बहुत अच्छी कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। हमें करना क्या, हमें करना है डाटा एंट्री। तो राइटिंग और कंटेंट पे हम चलते हैं। इसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, हम कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं, कॉपी राइटिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद रिसर्च नहीं, ट्रांसलेशन अगर आप कर सकते हो तो कर दो। इसके बाद एडिटिंग PDF बना सकते हैं, इसके बाद क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं, पावर पॉइंट चला सकते हो तो लिख दो, इसके बाद डाटा राइटिंग कर सकते हैं, डाटा एंट्री आप लोग अपने हिसाब से टिक कर दो, राइटिंग कर सकते हैं, इसके बाद डाटा एंट्री भी होगा यहाँ पे कहीं, तो हम डाटा एंट्री भी कर सकते हैं, ढूंढ लेना। इसके बाद केस स्टडी, कंटेंट ब्लॉगिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप देख लो, आप जो जो कर सकते हो वो आप डाल दो। इसके बाद हम थोड़ा नीचे जाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करने का देखो हो जाएगा, 20 स्किल्स को सेलेक्ट कर दो। इसके बाद दूसरी जरूरी बात, आप लोग लिंक अकाउंट में ना बहुत लोग स्किप कर देते हैं, लिंक नहीं करते, आप लोग अपना अकाउंट भी लिंक करो। इससे एडवांटेज क्या है, लोग आपकी प्रोफाइल देखेंगे, सोचेंगे जेन्युइन बंदा। बहुत लोग कहेंगे फेसबुक पे मैं अकाउंट नहीं है, लिंक्डइन पे मैं अकाउंट नहीं है, बना लो 2 मिनट का काम है। और जैसे आप डाटा ऑपरेटर हो या कंटेंट राइटर हो, आप जो भी हो, वेब डेवलपर हो, जो भी हो, आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे भी वही डालो जिससे बंदे को
सीधा पता चले अच्छा ये काम करता आपके प्रोफाइल पे, लिंक्डइन काफी ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे भी अकाउंट बना लो। तो आप अकाउंट बना के लिंक्ड कर देना, बहुत लोग क्या करते हैं लिंक करेंगे ना फिर दिक्कत हो जाएगी, तो लिंक्ड करने का नेक्स्ट करना मैं स्किप अभी कर देता हूँ। स्किप करने का यहाँ पे आपको आपकी फोटो लगाने, तो मैं अपनी, मेरे पास मेरी फोटो तो नहीं, आप अपनी फोटो लगाओ, मेरी फोटो अच्छा खींच सकते हैं तो मैं अपनी फोटो खींच लेता हूँ। एक मिनट, टेक फोटो, टेक फोटो करने का एक मिनट, 4 3 2 1, इसके बाद मेरी फोटो क्लिक हो गई। मैंने फोटो इसलिए ब्लर कर दिया, अभी मेरी हालात सही नहीं है इसलिए, तो फोटो लग चुकी है। फोटो लगने के बाद हम चलते हैं नीचे। फोटो लगने का यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपना नाम, नाम में अंकित, इसके बाद इधर क्या झा, अंकित झा, यहाँ पे एक मिनट, लास्ट नेम में मैं कर देता हूँ झा, एक मिनट अंकित, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ झा, अंकित झा करने का यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपके बारे में पूछा आप क्या हो। अब बहुत लोग क्या कहेंगे ना, यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे, आपको कुछ भी नहीं लिखना, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं चलता हूँ यहाँ लिंक पे, मैं आपको नीचे लिंक दूंगा, आप देख लो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव सा लिखना है। आपको लिखना क्या, आप देखो जैसे कि मैं डाटा एंट्री करूंगा तो मैं इधर लिख देता हूँ आई एम अ डाटा ऑपरेटर, देखो ये है ना आई एम अ डाटा ऑपरेटर। तो सबसे पहले आप जो हो, आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आप ये लिख दो। तो मैं लिख देता हूँ, पहले मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, मैंने आपको नीचे लिंक दी हुई, मैंने खुद लिखा है तो आप लोग देख लो। तो आप लोग चैट जीपीटी का भी हेल्प ले सकते हो, मैं भी चैट जीपीटी से खूब मदद लेते हैं। एक मिनट डाउनलोड हो गया, एक मिनट हम चलते हैं, नोट पैड पे खुल जाएगा, एक मिनट भाई खुल जा। हाँ तो खुल गया, जैसे कि आ गया है ना, तो मैं डाटा ऑपरेटर हूँ। मैं सबसे पहले लिख देता हूँ आई एम आर डाटा ऑपरेटर, आई एम डाटा ऑपरेटर, मैं लिख देता हूँ डाटा ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर। इसके बाद नीचे पूछे डिस्क्राइब अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में डिस्क्राइब करो। तो जैसे कि मैं डाटा ऑपरेटर हूँ तो मैंने लिखा हुआ है कि मैं काफी अच्छा काम करता हूँ, एफिशियंट काम करता हूँ, मेरी टाइपिंग स्पीड इतनी है। मतलब आप अपनी जितनी तारीफ लिख सकते हो ना, असली तारीफ, यानी कि फेक मैंने कुछ भी लिख दिया, पहला काम मिला वही मैंने गलत कर दिया, ऐसे नहीं। आपको आपकी रियल तारीफ करनी, आपको जो आता है उतना ही लिखना, और आप अपनी स्किल्स को डेवलप करो धीरे धीरे। इसके बाद क्या, नीचे हम चलते हैं, इसका नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद इसके बाद क्या, आपकी उम्र क्या, सबसे लैंग्वेज सेलेक्ट करो, हिंदी तो होगी क्योंकि हम भारत के, तो हिंदी होगी, जो पाकिस्तान सबके होंगे उनमें उर्दू सेलेक्ट होगा बाय डिफॉल्ट। आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज को भी सेलेक्ट करना है क्योंकि ज्यादातर विदेश के लोग आपको काम देंगे। एक बार तो डाटा एंट्री का आपको $20 मिल गया, मानो एक घंटे के काम का 1600-1700 रुपए मिल गया, और आपको क्या चाहिए, इनके लिए $20 $20 के बराबर है, हमारे लिए तो 1600 रुपए ना, हमें मजा आ जाएंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ मैं डाल देता हूँ, 16 साल से बड़े होने चाहिए बस। तो 15/4/2000 मैं कर देता हूँ, एक मिनट, 15/4/2000, जो 16 साल से छोटे उनको भी काम करना, तो आप अपने पेरेंट्स के नाम पे, भाई बहन के नाम पे अकाउंट बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक मिनट मैं इसको कर देता हूँ, एक मिनट कहाँ गया, 2000 ईस्वी कर देता हूँ, एक मिनट 2000 कहाँ गया, कहाँ गया। आप लोग मेहनत तो करो, इतने ज्यादा पैसे कमाओगे, कोई मिठाई विठाई भिजवा देना मुझे भी, कोई दिक्कत नहीं। इसका नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या, एड्रेस आपका कहाँ है, तो एड्रेस है हमारा इंडिया, इंडिया हम कर देते हैं। एक मिनट, प्लीज सेलेक्ट लोकेशन ड्रॉप डाउन, एंटर लोकेशन, एक मिनट हम इधर कर देते हैं, एक मिनट एक मिनट, प्लीज यूज द रियल एड्रेस एज यूर आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन, तो हम दिल्ली डाल देते हैं, एक मिनट, दिल्ली डालने का, दिल्ली इंडिया आ चुका है। आप अपने शहर का नाम डाल दो, इसका जिप कोड आप डाल दो, जैसे कि मेरा 110059 है, आप भी अपना डाल दो। इसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमारा अकाउंट बन चुका है, बस एक कंफर्मेशन का मेल आएगा वेरीफाई करने का। हम चलते हैं जीमेल पे, तो जीमेल पे हम चलते हैं, एक मिनट, जीमेल पे जानकर यहाँ पे बस एक कंफर्मेशन का मेल आएगा, तो हम देख लेते हैं अभी तक आया कि नहीं। आप लोग काम करो, अब मैं गारंटी देता हूँ 24 से 48 घंटे के अंदर आपका काम आ जाएगा। भाई साहब जिन लोगों ने भी आज तक मेरी वीडियो देखे कभी खाली हाथ नहीं गए, काफी ज्यादा जो नए लोग हैं सब्सक्राइब भी कर दो भाई, मजा आ जाएगा आपको काम करके। तो हमारा फ्रीलांसर का अकाउंट बन चुका है, मैं मानता हूँ आप लोगों ने पहले से फ्रीलांसर पे अकाउंट बनाया होगा, बहुत लोगों ने जो मेरी वीडियो देखे पर कमा नहीं पाए होंगे फायर फ्रीलांसर अपवर्क पे। मैं आपको ऐसी टिप्स ट्रिक्स बताता हूँ जिससे आप पैसे भी कमा पाओगे एकदम आसानी से। जैसा कि आप देख सकते हो हमारी मेल वेरीफाई हो चुके हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट पे। मेल वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे हमें अपना पेमेंट वेरिफिकेशन करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ पेमेंट में हम क्या क्या वेरीफाई कर सकते हैं। तो पेमेंट में क्या क्या, जैसे पेपाल, बहुत लोगों के पास पेपाल का अकाउंट नहीं, आप अपना पेपाल का अकाउंट बना लो, क्योंकि 1-2 रुपए की बात है, महीने का 50,000-1,00,000 रुपए कमाओगे, तो इसके लिए आप पेपाल बना लो। देखो पेपाल का ऑप्शन है, या तो आप अपने कार्ड में मंगा लो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में, पर इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, 100 प्रॉब्लम आएगी, तो इससे अच्छा पेपाल में ही अकाउंट बना लो मेरी मानो तो। क्योंकि जब आज से 3-4 साल पहले मैंने ऑनलाइन अर्निंग चालू की थी तो मैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का यूज करता था, पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, बहुत पैनिक होता था। तो आप पेपाल का अकाउंट बना लो, मुश्किल से 5 मिनट लगने आपको, तो आप बना लो। यूट्यूब पे वीडियो देखे आप लोग कमेंट करोगे तो मैं भी वीडियो बना दूंगा, वैसे यूट्यूब पे लाखों वीडियो, आप देख के बना लो कोई बात नहीं। इसके बाद हम चलते हैं वेरीफाई पेमेंट मेथड को
भी स्किप करते, क्योंकि मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है जिससे पेपाल कनेक्ट है। इसके बाद स्टार्ट योर फ्री मंथ, ये क्या बहुत लोग कहेंगे कुछ नहीं है। जैसे देखो आपको इनिशियल डे पे मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को डेली एक दो काम मिल जाएगा 2-4 हजार का, पर आपको लाखों का काम चाहिए तो इसके लिए आप इनकी मेंबरशिप लो, आप डेली पैसे भी विड्रॉल कर सकते हो, आपको हफ्ते में भी मिलेगा, तो क्या दिक्कत है बताओ, है ना। यही सब आप 80 से ज्यादा स्किल कर सकते हो, हमें तो भाई इतनी स्किल भी नहीं आती है ना, और आप 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। भाई हमने महीने के 30 प्रोजेक्ट भी अप्लाई कर दिए, बहुत है भाई। एक प्रोजेक्ट में $20 भी हुए, $600, $600 मतलब आपके हो गए 40 से 50 हजार रुपए। और क्या चाहिए अभी स्टार्टिंग में, बाद में आप मेंबरशिप ले लेना, कितने की मेंबरशिप यही होगी 600 रुपए की, देखो तो आप कर लेना, अभी स्किप कर दे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो अकाउंट बनकर रेडी हो चुका है, हमें पैसे कैसे कमाने भाई साहब, तो पैसे हमें कैसे कमाना आप लोग देख लो। जैसे कि आपको ये काम है, जैसे कि ब्लॉग राइटिंग का काम है जिसमें आप $18 चार्ज कर सकते हो हर घंटे के, तो काफी सही है। देखो 12 ही बेट है, मतलब 12 लोगों ने ही अप्लाई किया, आप भी अप्लाई कर दो, क्या पता आपको मिल जाए। जैसे इधर देखो भाई साहब इनसाइड ये तो नहीं, आई एम सर्च, जैसे हम देख लेते हैं कॉपी राइटिंग का काम है, आपको 367 जी एक मिनट कितना हो गया, एक मिनट पाउंड है तो थ्री कितना पाउंड है, एक मिनट हम देख लेते हैं भाई, काफी ज्यादा काम मिलता है। 367 GBP 367 GBP 2 INR हम देख लेते हैं, तो कितना बन गया वो हम देख लेते हैं, एक मिनट, तो 40,000 रुपए, 38,409 मतलब 40,000 रुपए के करीब आपको एक प्रोजेक्ट से मिलेगा। और आपको क्या चाहिए, आप स्किल डेवलप करो। बहुत लोग कहेंगे भैया काम नहीं मिलेगा, तो जो जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं ना, आप अपना अकाउंट अच्छे से बना लो, इंस्टाग्राम, फेसबुक का, लिंक्डइन का, आप अपने प्रोफाइल को अच्छे से भरो। देखो इधर ऑप्शन आएगा, इधर आपको ऑप्शन आएगा व्यू प्रोफाइल का, आप अपने प्रोफाइल को जितना अच्छा भरोगे आपको इतना अच्छा काम मिलेगा। देखो जैसे मैंने इधर लिखा हुआ है सब कुछ अच्छे अच्छे इसके बाद अपने फ्रीलांसर को ज्वाइन कर लो, इसका आइडेंटिटी वेरीफाई कर लो, पेमेंट वेरीफाई कर लो, फोन नंबर वेरीफाई कर लो, आप सब कुछ वेरीफाई कर लो, 100% अपने प्रोफाइल को आप मैनेज कर दो। इधर ना आप अंकित झा जैसे डाटा ऑपरेटर हो नहीं पाया, कुछ ऐसा दिमाग लगाओ कि आपका काम भी आ जाए, आपका नाम भी आ जाए, समझिए 16 वर्ड में, तो आप ऐसा कुछ काम करो रॉकिंग सा। जैसे कैरी मिनाटी, अजय नगर नाम है पर हम लोग कैरी मिनाटी के नाम से जानते हैं, आप अपनी पहचान बनाओ। इसके बाद आप अपना इधर सब कुछ डाल के, इसके बाद हम दिखाता हूँ, इधर जीएसटी का है वो तो जब पैसे कमाओगे तब की तब देखेंगे, अभी तो कोई काम नहीं। इसके बाद जैसे मानो हम चलते हैं अभी प्रोजेक्ट्स पे, हाँ सबसे पहले हम ब्राउज फीचर पे जाके हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट्स पे। तो देखो प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन है ना, हमने जो प्रोजेक्ट किया होगा, दूसरी इसमें जरूरी बात, आप कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा ले सकते हो, दिखाता हूँ मैं आपको। इधर प्रेफर्ड मेंबरशिप का ऑप्शन है, इधर आप एग्जाम दे सकते हो, समझ गए। इधर कॉन्टेस्ट है, इनिशियल डे पे आप कॉन्टेस्ट में हिस्सा लो जिससे आपको पैसे भी मिलेंगे, एक्सपीरियंस भी मिलेगा, समझे। तो आपको कैसे लेना है, देखो इधर आपको अलग अलग कॉन्टेस्ट मिलेंगे, इसमें आपको अप्लाई करना है, और अगर आप ये कॉन्टेस्ट जीतते हो तो आपको पैसे भी मिलेंगे, एक्सपीरियंस भी मिलेगा। जैसे जैसे आप कॉन्टेस्ट में हिस्सा लोगे, जीतोगे, तो आपके पास और काम आएगा। तो हमें काम कैसे लेना है, देखो ब्राउज फीचर में जाके हमें नॉर्मली जाना है काम फ्रीलांसिंग पे, और इसके बाद हमें चले जाना है, और इधर पे हमें बिडिंग डालने, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे, एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि सारे प्रोजेक्ट्स है, जैसे ब्लॉग राइटिंग का प्रोजेक्ट है, 16 बिड आ गए ना इतनी देर में, तो देखो हमें ऐसे पसंद है, हम ये कर सकते हैं। क्या करें, लुकिंग स्किल्ड राइटर टू डेवलप, ये वो है। देखो हमें प्रपोजल भेजना है, हाँ तो हमें प्रपोजल भेजना है, तो हमने डिटेल्स पहले अच्छे से पढ़ ली। पहले देखो प्रपोजल किस किसने भेजा, देखो 16 बिड आ गए ना, हायर एसईओ एक्सपर्ट, फतिमा, अब्दुल, तो इन सब ने ना देखो कितने सारे लोगों ने अपना प्रपोजल भेजा है, $250 का किने भेजा, किने कुछ प्रपोजल भेजा 320 यूरो का है। तो आप भी अपना प्रपोजल भेजो, पहले तो आप अपना अकाउंट आप देख लो, मैं अकाउंट अच्छे से बना हुआ, सब कुछ आप वेरीफाई करो, इसके बाद आप भी अपना प्रपोजल भेज दो कि भाई मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, वैसा काम कर सकता हूँ, और जैसे इसके बाद आपको भी काफी अच्छा काम मिलने लगेगा। और अब बहुत लोग कहेंगे हम बिडिंग कैसे करें, तो जैसे देखो आप नीचे जाओगे, तो नीचे सबसे पहले आपको प्रोफाइल को कंप्लीट करना, आप कितना डॉलर लोगे हर घंटे का, मानो आप नए बंदे हो तो $20 आप सबमिट कर दो, सबमिट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, इसके बाद आप इधर प्लेस कर सकते हो बिड आप अपना, हाँ तो आप अपना बिड प्लेस कर सकते हो कि आपको कितने में काम कर दोगे ये वगैरह, तो आप अपने हिसाब से आपको जो सही लगे आप अपना प्रपोजल भेजो, ये लोग सेलेक्ट करेंगे, जिनका प्रपोजल सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा उनको सेलेक्ट कर लेगा। आप ये भी बोल सकते हो कि आपको मैं एक काम अपना सैंपल दिखाऊंगा, ये वो आप अच्छे से खुद ही समझदार हो, आप इनिशियल डे पे लोगों को सैंपल भी दिखाओ, जैसे मानो ये किसका कंटेंट राइटिंग का काम है, तो आप अपना सैंपल दिखाओ कि हम ऐसा कंटेंट राइट आपको करके देंगे, इससे होगा कि आपका सैंपल देखेंगे, आप अच्छा काम करोगे आपको ही काम देंगे। 320 यूरो का भी मिल गया तो आगे 30-35 हजार रुपए और आपको क्या चाहिए इनिशियल डे पे, समझे। और ये फ्रीलांसर तो आप इस पे अकाउंट बनाओ, काम मिलेगा। इधर भी देखो आपको प्रोजेक्ट्स के ही नोटिफिकेशन आएंगे कि ये प्रोजेक्ट आया है, इंग्लिश टू टर्किश ट्रांसलेटर का ऑप्शन है, तो आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज करके भी काम कर सकते हो। तो आप ऐसे इन सब पे काम करो, काफी ज्यादा सही काम है, और जो जितने पैसे कमाओगे मुझे नीचे कमेंट करना, जिससे
और भी लोगों को मोटिवेशन मिले और वो भी काम करेंगे। तो ऐसी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब करो, और किसी को कोई प्रॉब्लम आते तो मुझे नीचे कमेंट करो, बेझिझक होकर मैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। आपको टेंशन मतलब आपका भाई बैठा हुआ है। और दूसरी जरूरी बात की मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको GST डाल देना है जब आप अच्छे पैसे कमाने लगोगे, जब पैसे विदड्रॉल करोगे तो आप डाल दो, किसी दोस्त यार का मांग के डाल दो, आपको जिनका डालना है डाल दो, क्योंकि इंटरनेशनल पैसे आएंगे पूरा, आप लाखों रुपए कमाओगे तो सरकार को तो टैक्स दोगे ना भाई, तो इस आप डाल देना। और कोई प्रॉब्लम है वो ऑफिस से कहता हूँ, तो मुझे नीचे कमेंट करना, मैं सबके कमेंट के रिप्लाई देता हूँ। तब तक ले बाय बाय।